फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को अच्छे से साफ कर लेना है, और अगला काम ये करना है कि आपका जो फिंगर है ना, जिस फिंगर को आप अपने सेंसर पर टच करते हैं, उस फिंगर को भी अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके ना मोबाइल फोन के अंदर ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल का आपको ओपन करना है। इस ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड एप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको इस सिस्टम ऐप पे टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है ना एक पेज आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो इस वाले पेज में एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपने ना पहले वाले फिंगरप्रिंट लॉक जो लगा रखा है ना, उस पहले वाले फिंगरप्रिंट लॉक को डिलीट करके एक नया फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो सेट कर लेना है। इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगला काम ये करना है, फोन का इंटरनेट चालू करके फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है, ठीक है। अब अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। आपका नीचे पेज आता है, इसमें आपको इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए तरीके आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।